आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। सबसे अच्छी बात है ये परमानेंट वैकेंसी है, यहाँ पे आपको असिस्टेंट के अलावा और भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सैलरी बेस तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इवन अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। लाइक असिस्टेंट के अंदर 100 है, एसोसिएट के अंदर आपकी 40 प्लस होंगी, प्रोफेसर के अंदर आपकी 20 प्लस होगी, तो आपको ओवरऑल अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छे कवर हो रहे हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बायोलॉजी, संस्कृत। कुछ पीओ ने डिमांड करी डिपार्टमेंट लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, तो वो डिपार्टमेंट में यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी वैकेंसी कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करेगी। रिक्रूटमेंट रिलीज़ करेगी आपकी कॉटन यूनिवर्सिटी से एंड यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है लास्ट डेट थी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पहले वाई ईमेल 16th ऑफ अप्रैल एंड हार्ड कॉपी की अब लास्ट डेट है वो है आपकी 19th ऑफ अप्रैल। लेकिन जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसमें डिफरेंट डेट थी, दैट्स वाई आप मेंशन कर रखे कि नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करी गई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिटेल अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रखी है एंड 11th मार्च को ये रिलीज़ करी गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पे मेंशन है, प्रोफेसर की 21 है, एसोसिएट की 46 एंड असिस्टेंट की 100। तो असिस्टेंट में काफ़ी अच्छी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। पे स्केल आपका अच्छा रहेगा, प्रोफेसर में 1 लाख टू 2 लाख, मतलब यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अगर मैं असिस्टेंट की बात करूँ तो लेवल 10 का 57,000 से 1,82,000 के बिटवीन रहेगा, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक फर्स्ट में आपको मेंशन कर रखा है प्रोफेसर, प्रोफेसर में आपको यहाँ पे दे रखा है डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। प्रोफेसर में 21 डिपार्टमेंट है और यहाँ पे आपके कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, सोलॉजी, ये आपके कुछ डिपार्टमेंट थे। नेक्स्ट आता है एसोसिएट का एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है अपना, ठीक है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे अनरिजर्व के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिले वहाँ पे कोई और कैटेगरी भी अप्लाई कर सकती है, उसके लॉस होते हैं, उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते लाइक एज में और मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें आपके डिपार्टमेंट है लाइक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बोडो, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फॉर क्लाउड्स एंड क्लाइमेट चेंज रिसर्च, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स एंड जॉलॉजी। तो यहाँ पे 27 डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं एसोसिएट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका असिस्टेंट, असिस्टेंट के अंदर ये आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, 100 वैकेंसी है एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, असामिस एंड बोडो, बॉटनी, सेंटर फॉर क्लाउड्स एंड क्लाइमेट चेंज रिसर्च, सेंटर फॉर लैंग्वेज, कल्चर एंड आर्ट, सेंटर फॉर फिजिकल एडुकेशन, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स एंड जॉलॉजी। तो ये कुछ डिपार्टमेंट है यहाँ पे एंड यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपकी जो सारी क्वालिफिकेशन होगी वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी एंड एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लाइक 2,000 रुपीज़ आपको पे करने हैं एंड 1,000 रुपीज़ पे करने अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हो, 2,000 पे करने अगर आप तो अनरिजर्व या EWS से बिलोंग करते हो एंड ओवरसीज़ के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हो, तो उनको $100 पे करने हैं पर एप्लीकेशन के, ठीक है। एज लिमिट आपकी कैलकुलेट होगी अप टू January 1st तक। उसके अलावा हार्ड कॉपी सबमिट करानी है, सॉफ्ट कॉपी सबमिट करानी है तो डिटेल दे रखी है कब तक करानी है, ईमेल एड्रेस दे रखा है एंड आपको प्रॉपर हार्ड कॉपी का एड्रेस दे रखा है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे आपको जो लास्ट डेट थी वो 2nd ऑफ अप्रैल थी, लेकिन आप इनकी ऑफिशियल साइट चेक करोगे तो वहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है अपनी सॉफ्ट कॉपी की 16th ऑफ अप्रैल एंड हार्ड कॉपी की 19th ऑफ अप्रैल, दैट्स वाई यहाँ पे ले रखा है एक्सटेंशन नोटिफिकेशन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है आपकी एक्सटेंड करी गई है। उसके अलावा इस ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे आपको दे रखा है, अप्लाई करिए, प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे।